गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। इसमें भी हम टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो मैंने सोचा चलो इसको करवा देते हैं। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाइज टू ऑप्शन ये दे रखे हैं चार, तो चलो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे। एक तो फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये फार्मूला तो बिल्कुल रट लो। क्वेश्चन क्या है, टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये सेक स्क्वायर थीटा रख दो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल क्या आ गया, टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई, और एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल वन अपान कॉस थीटा, ये भी फार्मूला होता है। तो इस सेक थीटा की जगह ये फार्मूला लग दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, टू साइन थीटा अपान वन कर लो और ये वन अपान कॉस थीटा है। जब इस तरह से चार डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर यानी टू साइन थीटा कॉस थीटा और बीच बीच का मल्टीप्लाई नीचे वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला डायरेक्ट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन टू थीटा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर होगा, साइन टू थीटा। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।